कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। वैवस्वत मनु के वंश में अनेक शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए, जिनमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त थी। उनके राज्य में किसी का किसी के भी प्रति द्वेष भाव का सर्वथा अभाव था। एक दिन महाराज दशरथ अपने महल के शाही कक्ष में बैठे थे। सजीले वस्त्र पहने, धीर गंभीर मुखमुद्रा के साथ वे एक विशाल दर्पण के सामने खड़े थे। दर्पण में अपने कृष्णवर्ण केशों के मध्य एक श्वेत रंग के केश को देखकर वे विचार करने लगे, अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है और अब तक मैं निसंतान हूँ। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा तथा किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा? इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ करने का संकल्प किया। अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मंतव्य बताया तथा यज्ञ के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ की चिंता को समझते हुए कहा, हे राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः आप शीघ्रातिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ करने तथा इसके लिए एक सुंदर श्यामकर्ण अश्व छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार शीघ्र ही महाराज दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुसज्जित एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा दी। महाराज दशरथ ने रनिवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को ये शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गईं। मंत्रीगणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञानुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छोड़ दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेदविज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभापाद के जामाता ऋग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्यामवर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चार पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजा जनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न, आभूषण तथा उपाधियां प्रदान किया गया। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे।
उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़ी एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था।